हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अनन एकेडमी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए निकल के आ रही है। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बी बीटेक, तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है ACEM एडवांस्ड सेंटर फॉर एनर्जेटिक मटेरियल्स DRDO की सब्सिडरी पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है वो एक साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और ये कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है और कितनी वैकेंसीज है, सारा डिटेल। तो सबसे पहले जाते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है। अगर आपका बीटेक जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिग्री है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग की डिग्री है, या फिर बीटेक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो आपके पास ये करस्पॉन्डिंग सीट्स अवेलेबल है। और आपको जो यहाँ पे स्टाइफन मिलेगा वो है 9,000 रुपीज। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन केमिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, तो टोटल वैकेंसी सारा मिला के आपके पास 15 आता है। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो स्टाइफन मिलेगा पर मंथ वो 8,000 रुपीज है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको क्या करना है, इस PDF में कुछ डिटेल्स अटैच्ड है। ये डिटेल्स, इस फॉर्म को आपको सबसे पहले प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे स्टिक करना है। सारी डिटेल्स जो आपके बारे में पूछी जा रही है उसको एज इट इज भरना है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और ईयर ऑफ पासिंग और उसके अलावा मार्क्स, डिवीजन, सब कुछ भरना है। इसमें आपको डेट लिखना है, सिग्नेचर लेना है और जो भी एनक्लोजर्स आप अटैच कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे लेना है। और उसके बाद इसको सेंड कर देना है आपको बाय ईमेल, है ना। ईमेल जो है यहाँ पे दिया गया है, ये अप्रेंटिस ACEM@gov.in इस ईमेल में सेंड करना है इसको, स्कैंड कॉपीज को, है ना। और अगर आप सेंड करते हैं तो इसको सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है और उसके बाद ये नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे कोई भी चीज आपको ईमेल के अलावा कोई भी करस्पॉन्डेंस से नहीं सेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मतलब ईमेल के थ्रू। तीसरी बात यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ पे डाउनलोडिंग और रॉन्ग प्रूफ जो भी कुछ आप प्रोवाइड करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, ACEM की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये बोला गया है कि सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस, जो भी आप वहाँ पे CGPA और परसेंटेज उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिलअप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको करस्पॉन्डेंस से बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और पूरा सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पे होगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो नेट्स के पोर्टल में, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और ये अगर आप तक अभी तक नहीं किया है तो ये नेट्स का वेबसाइट है जहां से आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप 2021 या 2022 में पास आउट है तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा है और आपके पास एक साल का जॉब एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कहीं पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 1 ईयर का ज्वाइन करके रखा हुआ है, या फिर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, नॉट बी एलिजिबल, ये भी बता दिया गया है। तो ये डिटेल है इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने का। DRDO एक PSU है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस हमेशा बोलेगा, वो हमेशा अपना प्रेजेंस दिखाएगा जब भी आप किसी इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अगर एलिजिबल है और आपके पास एक साल का कोई भी प्लानिंग नहीं है तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं कि कोई और पर्टिकुलर परमानेंट जॉब आपके पास है, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी AEG एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि इस तैयारी के साथ मुझे कुछ पैसे भी, मेरा कुछ इनकम भी हो जाए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने आप से फ्रेशर्स का टैग हटा सकते हैं, एक एक्सपीरियंस का टैग ला सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं
और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ESC हो, चाहे वो कोई AEJEE का एग्जामिनेशन हो, चाहे SSC का एग्जामिनेशन हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स हैं जो अनअकैडमी के उस लर्नर ऐप का है जहां से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जो पूरी पढ़ाई है एक साल की कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फटाफट से जाइए और उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी और बातें करनी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को दे सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ गेट। थैंक यू।